Subscribe and press the bell icon for latest update. सर्दी के समय की बात की जाए तो बच्चों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनको कई बीमारियां हो जाती हैं। सबसे खतरनाक बीमारी है और वो है दमा। वैसे बादाम, मछली जैसे सैल्मन, पटसन के बीज व सोयाबीन तेल में मौजूद जरूरी पॉली अनसैचुरेटेड वसा अम्ल आपके बच्चों के आहार में शामिल होकर उन्हें एलर्जी संबंधी बीमारियों से दूर तो रखेंगे, लेकिन इनका सेवन आपके बच्चे को खास तौर से दमा यानी अस्थमा व नाक में जलन व श्लेष्मा की झिल्ली में सूजन आदि को जोखिम को रोकने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, यानी कारगर उपाय है। दमा व नाक के एलर्जी संबंधित रोग से बच्चों के बचपन पर असर पड़ता है। इसकी वजह या तो अनुवांशिक होती है या तो फिर पर्यावरणीय कारकों का असर होता है। शोध के परिणाम बताते हैं कि पॉली अनसैचुरेटेड वसा अम्लों की रक्त में बढ़ी मात्रा बच्चों में एलर्जी संबंधित रोगों के जोखिम को कम करने से जुड़ी हुई है। पॉली अनसैचुरेटेड वसी अम्ल में ओमेगा 3 व ओमेगा 6 वसा अम्ल आते हैं, जिन्हें एराकिडोनिक अम्ल कहते हैं। ऐसे बच्चों में जिनमें 8 साल की उम्र में ओमेगा 3 का उच्च रक्त स्तर होता है, उनमें 16 साल की उम्र में दमा या नाक में जलन या श्लेष्मा झिल्ली में एलर्जी के विकसित होने की संभावना कम होती है। उच्च स्तर वाले ओमेगा 6 वसा अम्ल ऐसे एराकिडोनिक अम्ल कहते हैं, यह 16 साल की उम्र में दमा में कम जोखिम से जुड़ा हुआ है। स्वीडन के कारोलिस्का इंस्टीट्यूट की शोधकर्ता एना बर्गस्ट्रोम ने कहा कि चूंकि एलर्जी की असर शुरुआत में यानी बचपन के दौरान होती है, ऐसे में इस शोध का मकसद पर्यावरण व जीवन शैली का एलर्जी संबंधी बीमारियों पर असर देखना था। तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में बच्चों को ये परेशानी है यानी अस्थमा, जिसे हम दमा के नाम से जानते हैं, अगर उनको वो परेशानी है तो आप उनको बादाम खिलाइए, मछली खिलाइए या मछली का तेल आप किसी भी खाने में इस्तेमाल कीजिए। सैल्मन, पटसन के बीज और सोयाबीन के तेल में मौजूद होते हैं, तो ये अगर आप उनको खिलाते हैं और सोयाबीन से बनी चीज़ों को खिलाते हैं तो उनके लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होगा और दमा और जैसी बीमारियों से वो दूर बच सकते हैं या तो उनसे सावधानी से वो इसका हल निकाल सकते हैं। क्यूरियन हेल्थ डेस्क की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।